नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज कार्बोराइजिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। कार्बोराइजिंग क्या है, कितने प्रकार की होती है एंड कहाँ पे कार्बोराइजिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोराइजिंग है क्या। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे दोस्तों आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, कार्बोराइजिंग प्रोसेस, जैसे कि आप हीट ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, हीट ट्रीटमेंट में हम मेटल्स को हीट करते हैं। हीट करने के बाद कुछ टाइम तक होल्ड करके रखते हैं और इसके बाद उसको हम ठंडा करते हैं। तो इससे क्या होता है, मटेरियल का जो स्ट्रक्चर्स है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी क्या है, चेंजेस होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज को हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाते हैं। तो यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट में कार्बोराइजिंग प्रोसेस है। कार्बोराइजिंग प्रोसेस जो है, ये भी एक क्या है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। कार्बोराइजिंग एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट में, जिसके अंदर कार्बन को हम डिफ्यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या सरफेस के ऊपर। जैसे कि मान लें कि लो कार्बन स्टील, जैसे कि हम जानते हैं लो कार्बन स्टील मींस माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील में क्या है, कार्बन की कंपोजिशंस बहुत कम होती है, तो माइल्ड स्टील हमारी हाईली डक्टाइल होती है, मीन्स सॉफ्ट होती है। तो हमें कई जगह पे इस प्रकार के ऑब्जेक्ट या मशीन्स पार्ट्स की आवश्यकता होती है, जिसका हमको आउटर सरफेस हार्ड बनाना है और इनर सरफेस हमारा सॉफ्ट रहे। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, कार्बोनाइजिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप बात करें गेयर्स की, बैरिंग्स की, ये जो हमारे गेयर्स हो गए, बैरिंग हो गए, और भी ऐसे पार्ट्स हैं जिनका हमको सरफेस हार्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कार्बोराइजिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो सरफेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्ट्स का, उस पर हम कार्बन को डिपॉजिट करते हैं, और डिपॉजिट करने के लिए उस सरफेस को हार्ड बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारी एक भील है। भील का हमारा जो इनर सरफेस है वो सॉफ्ट सरफेस है, कोर है, और आउटर जो सरफेस है इसकी बाहरी कोर है, जो आउटर सरफेस, ये हमारा क्या है, हार्ड है। तो हम इस तरह के ऑब्जेक्ट भी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। तो मींस इन दिस प्रोसेस वी हीट द मेटल पार्ट इन अ हाई कार्बन एनवायरनमेंट। ये जो आपकी कार्बोराइजिंग प्रक्रिया होती है, इसमें सबसे पहले हम जिस ऑब्जेक्ट या जिस पार्ट के कार्बोराइज करना है, उसके लिए हाई कार्बन एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, एंड एलाउ फॉर डिफ्यूजन ऑफ कार्बन। और इसके बाद हम एलाउ करते हैं जिससे जो कार्बन है वो कार्बन इसके आउटर सरफेस पे क्या हो, डिफ्यूज हो, आउटर सरफेस पे डिफ्यूजन होगा, जिससे आउटर सरफेस हमारा क्या होगा, हार्ड होगा। कार्बन एटोम्स डायरेक्टली इनटू द सरफेस ऑफ द पार्ट, टू पार्ट दैट नीड टू बी हार्ड। मीन्स जिस ऑब्जेक्ट या जिस पार्ट को हमको हार्ड बनाना है, वहां पे हम क्या करते हैं, कार्बन को डिपॉजिट करते हैं। इट इज यूज्ड वेयर पार्ट रिक्वायर्स इंक्रीज वेयर रेजिस्टेंस। हम इसका कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं कहाँ पे, जहां पे हमें ऐसे पार्ट की आवश्यकता है जिसका वेयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो, मतलब जहां पर रिलेटिव मोशंस हो रहा है, जैसे बैरिंग्स हो गए, गेयर्स हो गए। तो इसमें क्या है, वेयर रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना है गेयर टीथ का, जिससे ये क्या है, जब इनमें रिलेटिव मोशंस होगा तो ये हमारे क्या हो, वियर ना हो, घिसे ना। इसके लिए फटिग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एंड पार्ट्स मेड फ्रॉम लो कार्बन स्टील, या ऐसे पार्ट्स या कंपोनेंट जो लो कार्बन स्टील के बने होते हैं, उस जगह पे हम हीट ट्रीटमेंट में कार्बोराइजिंग का उपयोग करके सरफेस को हार्ड बनाते हैं। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग कितने टाइप्स की होती है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कार्बोराइजिंग में जैसे कि बात करें, बेसिकली तीन प्रकार की कार्बोराइजिंग होती है, गैस कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग लिक्विड कार्बोराइजिंग एंड सॉलिड कार्बोराइजिंग। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड कार्बोराइजिंग, तीन प्रकार की जो कार्बोराइजिंग है हीट ट्रीटमेंट में की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को हार्ड बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गैस कार्बोराइजिंग की। अब जो गैस कार्बोराइजिंग होती है,
इसमें क्या होता है? तो गैस कार्बोराइजिंग मींस इन दिस प्रोसेस पार्ट टू बी हार्डनेड आर हीटेड। इस प्रक्रिया में हमें जिस ऑब्जेक्ट को हार्ड बनाना है, जिस ऑब्जेक्ट की हार्डनेस को इंक्रीज करना है, उसको हम क्या करते हैं, हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 900 टू 950 डिग्री। मींस उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम गर्म करेंगे फर्नेस के अंदर, इलेक्ट्रिक फर्नेस में 900 से 950 डिग्री तक, ठीक। एंड द पार्ट इज सराउंडेड, और जो पार्ट है वो हमारा क्या होता है, सराउंडेड होता है, चारों तरफ क्या होती है, हाइड्रोकार्बन गैस सच एज मेथेन, एथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि, किसमें, फर्नेस के अंदर। जैसे कि आपने जिस पार्ट को आपको कार्बोराइजिंग करना है उसको आपने फर्नेस में रखा, उसको गर्म किया, और उस फर्नेस में हमने इस प्रकार की गैसेस को क्या कर दिया, भर दिया, जिससे सराउंड रहेगा, घिरा रहेगा चारों तरफ से, ठीक। द कार्बन इन द गैसेस गेट कंबाइंड, जो गैसेस से कार्बन की मात्रा होती है वो कंबाइंड विद द सरफेस ऑफ द पार्ट, मीन्स पार्ट, जिस पार्ट की हमको हार्ड करना है उसके सरफेस पे क्या होती है, जम जाती है, एक लेयर के फॉर्म में क्या होती है, डिपॉजिट हो जाएगी, एंड मेक्स देम हार्ड, और उस पार्ट को क्या कर देगा, ये कठोर बना देगा, हार्ड बना देता है। इट इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, जो हमारी गैस कार्बोराइजिंग प्रक्रिया होती है इसका उपयोग हम किस में करते हैं, मास प्रोडक्शन में किया जाता है। ओके दोस्तों, तो जैसे कि कार्बोराइजिंग का काम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट कंपोनेंट या हम बोल सकते पार्ट्स के सरफेस को हार्ड बनाना, जैसे कि आपके गियर हो गए, गियर्स टीथ हो गई, बैरिंग्स हो गए, आपकी जहां पे मोशंस होता है, ये हमारे लो कार्बन स्टील के यदि हम यूज कर रहे हैं तो लो कार्बन स्टील आप जानते हैं सॉफ्ट होती है, लेकिन हमको इनको यूज करना है तो हम इनके आउटर सरफेस को हार्ड बना सकते हैं, जहां से इसका वियर रेजिस्टेंस एंड फटिग स्ट्रेंथ है जो कि बढ़ जाती है, ठीक। अब हम देखेंगे सेकेंड केसेस या सेकेंड मेथड भी बोल सकते हैं, सॉलिड कार्बोराइजिंग। अब सॉलिड जो कार्बोराइजिंग होती है, सॉलिड कार्बोराइजिंग में जैसे कि आपको मालूम है, सॉलिड कार्बोराइजिंग को हम पैक कार्बोराइजिंग के नाम से भी जानते हैं, मींस इट इज आल्सो नोन एज पैक कार्बोराइजिंग। अब सॉलिड कार्बोराइजिंग का जैसे कि आप सबसे पहले एक डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में सबसे पहले हमको जिस पार्ट को कार्बोराइज करना है, जिस पार्ट की हार्ड बनाना है, उस ऑब्जेक्ट को हम एक सील्ड स्टील बॉक्स के अंदर रखते हैं, और इस सील्ड स्टील बॉक्स में क्या करते हैं, जो इसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट के स्पेस होता है उस स्पेस में हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या हम जैसे कि आपका चारकोल हो गया, कोक हो गया, वुड हो गया, इसको भर देते हैं जिससे हमारी कार्बन रिलीज हो, गर्म होने पे कार्बन उससे गैसेस रिलीज हो, ठीक, इसको हम चारों तरफ से फिल कर देते हैं। इसके बाद डायग्राम में आपको दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम इसको चारकोल को रखेंगे तो चारकोल जब हीट होगा तो इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलेगी, ये गैसेस इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ क्या है, सर्कुलेट हो रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हमारा जो कार्बन की मात्रा होती है वो डिपॉजिट हो जाती है, ठीक। और इसको हम नीचे से किसी भी सोर्स हीट से क्या करते हैं, नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से गर्म कर सकते हैं। अब इसमें इन दिस प्रोसेस पार्ट्स आर प्लेस्ड इन कार्बोराइजिंग बॉक्सेस, ये जो प्रक्रिया है सॉलिड कार्बोराइजिंग या पैक कार्बोराइजिंग, इसमें हम जिस ऑब्जेक्ट की कार्बोराइजिंग करना है उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं बॉक्स के अंदर, विच मेड ऑफ हीट ट्रीटिंग एलॉय, सीट स्टील या स्टील सीट और कास्ट स्टील, ये किसी भी धातु का बॉक्स बना हो सकता है। अब इसमें कार्बोराइजिंग मटेरियल्स में के रूप में हम उपयोग करते हैं वुड, कोक या चारकोल, इसको हम फिल करते हैं इन द वेकेंट स्पेस बिटवीन द पार्ट्स एंड द बॉक्स, बॉक्स एंड पार्ट के बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसमें हम किसको, कार्बोराइजिंग मटेरियल्स को फिल करते हैं, जैसे कि आपकी वुड हो गई, कोक हो गया, कोयला, चारकोल हो गया, इसको भर दिया जाता है। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से सील कर देते हैं जिससे हमारी जो एयर है, बाहर की एयर इसके अंदर इंटर ना करे। अब जैसे आप सील कर देंगे और सील करने के बाद इस बॉक्स को आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे फर्नेस में, कहाँ से, 900 से 950 डिग्री तक,
900 टू 950 डिग्री तक जब आप हीट करते हैं तो गर्म होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टार्ट टू रिलीज कार्बन, ये क्या करती है, कार्बन को रिलीज करती है। तो कार्बन जो रिलीज होता है ये हमारा डिफ्यूज होता है किस पे, पार्ट सरफेस के ऊपर। तो जब कार्बन इससे रिलीज होगा, इसको गर्म करेंगे हम कार्बोराइजिंग मटेरियल्स को बॉक्स के अंदर, तो इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है गर्म होने के कारण ये कार्बन को रिलीज करेगी और ये जो कार्बन की मात्रा होगी ये हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, जिस सरफेस को हमको हार्ड बनाना है। इस प्रकार से दोस्तों पैक कार्बोराइजिंग या सॉलिड कार्बोराइजिंग प्रक्रिया परफॉर्म की जाती है। ठीक, नाउ लिक्विड कार्बोराइजिंग, लास्ट जो कार्बोराइजिंग की मेथड से या प्रकार है वो है लिक्विड कार्बोराइजिंग। अब जैसे कि नेम से पता चलता है लिक्विड मतलब पिघला हुआ, तो इन दिस प्रोसेस द पार्ट टू बी कार्बोराइज्ड मींस इस प्रक्रिया में जिस ऑब्जेक्ट को, जिस कंपोनेंट को हमको कार्बोराइज्ड करना है, इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं किसी कंटेनर के अंदर जो भरा होता है किससे, मोल्टेन साल्ट से। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, लिक्विड फॉर्म में मोल्टेन साल्ट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक, यदि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ही पार्ट को हार्ड बनाना है, जैसे कि आप देखें ये डिस्पोजल है, इस डिस्पोजल की यदि ये टॉप की हमको इस कोर को हार्ड करना है तो हम बाकी पोर्शंस के लिए क्या कर देंगे, इसको कवर कर देंगे और इसको ढक देंगे किसी कॉपर प्लेटिंग से, और इसके बाद हम इस प्रक्रिया को परफॉर्म करेंगे जिससे इसकी ऊपर वाली टॉप सरफेस है इस पर कार्बन डिपॉजिट होके ये जो टॉप की लेयर है ये हमारी क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ठीक, इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में या स्मॉल प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे हमको कोई छोटी सी इकाई या एक स्मॉल कंपनी है जहाँ पे काम चलता है, वहाँ पे यदि हमको इस प्रकार के ऑब्जेक्ट जिनकी हार्डनेस को इंक्रीज करना है उस जगह पे हम इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट के अंदर आज के वीडियो में एक कार्बोराइजिंग थी, कार्बोराइजिंग से संबंधित जानकारी, इसकी एप्लीकेशंस एंड कैसे कार्बोराइजिंग प्रक्रिया होती है और कितने प्रकार की होती है सभी डिटेल्स हमने जानी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।